आर्ट क्लास में खुशामदीद। आज के लेसन प्लान के ज़रिए आप सीख सकते हैं कि किस तरह से हम आर्ट और साइंस को आपस में इंटीग्रेट करेंगे। इस लेसन प्लान की मदद से आप आर्ट के ज़रिए साइंस को एक बहुत ही दिलचस्प अंदाज में पढ़ा सकते हैं। आज का लेसन प्लान दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हफ्ते में बच्चे एनिमल्स के हैबिटेट के बारे में सीखेंगे और दूसरे हफ्ते में वो एनिमल्स के इलस्ट्रेशन बनाना सीखेंगे। आप इस लेसन प्लान का आगाज़ बच्चों को दो तस्वीर दिखाकर कर सकते हैं, जैसे कि ये तस्वीर डेजर्ट लैंड और एक्वेटिक हैबिटेट की हैं। आप ग्रास लैंड या तुंद्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को ये तस्वीर दिखाकर आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें इनमें क्या फ़र्क नज़र आता है। बच्चों के जवाब बोर्ड पर लिखते जाएं और डीब्रीफ करें कि हैबिटेट क्या होता है। माहौल या हालात जिसमें कोई इंसान, जानवर या पौधा रहता है या काम करता है, उसको हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट को मज़ीद समझने के लिए आप चंद और सवाल कर सकते हैं, जैसे कि जानवरों की ज़िंदगी में हैबिटेट की क्या अहमियत है, हैबिटेट किस तरह से जानवरों की ज़िंदगी को मुतासर करता है, मुख्तलिफ हैबिटेट्स के बारे में आपकी क्या मालूमात हैं और किस किस जानवर के लिए कौन सा हैबिटेट मुनासिब है और क्यों। और फिर आप एक छोटी सी एक्टिविटी करवा सकते हैं। आप बच्चों को ग्रुप में तकसीम कर दें और हर ग्रुप को एक A4 पेपर दे दें। बोर्ड पे इस टेबल को ड्रॉ करें और बच्चों से कहें कि इसको कॉपी कर लें। साथ में उनको जानवरों के नाम की एक फहरिस्त फराहम करें और उन्हें सही कॉलम में जानवरों के नाम लिखने के लिए दरख्वास्त करें। इसके अलावा हर ग्रुप को हिदायत दें कि दी गई लिस्ट में से किसी एक जानवर का इंतखाब करें और इसके बाद इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालों का जवाब दें। ये जानवर इस पर्टिकुलर हैबिटेट में क्यों रहता है? ये हैबिटेट जिसमें वो रहता है वो उसके ज़िंदा रहने के लिए क्यों ज़रूरी है? ये एनिमल किस तरह अपने हैबिटेट में होने वाली माहौलियाती तब्दीली से असरअंदाज होता है? याद रखें कि हर ग्रुप मुख्तलिफ जानवर को चुने और कोई भी जानवर रिपीट ना हो। इस एक्टिविटी के लिए आप बच्चों को 15 मिनट का टाइम दें और फिर हर ग्रुप को काम प्रेजेंट करने की हिदायत दें। हर ग्रुप से दरख्वास्त करें कि वो अपना काम क्लास के सामने डिस्प्ले करें और उसके बारे में बताएं। ये तो था पार्ट 1, जिसमें आपने सीखा कि किस तरह से आप एनिमल्स और उनके हैबिटेट के बारे में बच्चों को सिखा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको भी मदद मिली होगी।